जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन वास्तु शास्त्र में एक बार फिर नई वीडियो के साथ। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। धनतेरस दिवाली के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, यदि आप धनतेरस या दिवाली के दिन इस वृक्ष को छूकर आते हैं तो आपके जीवन से जो भी धन से संबंधित परेशानियां हैं, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट संकट, बने बने काम बिगड़ जाते हैं, किसी कार्य में कोई बाधा आ रही है, मतलब तमाम प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यूं कहें कि आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। गरीबी आपके जीवन से तत्काल खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में धन संपत्ति का वास होगा। अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आप धनतेरस या दिवाली के दिन छूकर आ जाते हैं और इन वृक्षों से जुड़े इन उपायों को आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। आपके जीवन में आपको अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, वे कौन कौन से वृक्ष हैं और वो कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको धनतेरस दिवाली के दिन जरूर करनी चाहिए, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि माता लक्ष्मी जी का जयकारा लगाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी जी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सके। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। धनतेरस पर लोग बहुत सी खरीदारी करते हैं, शुभ मुहूर्त में देखकर खरीदारी करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ जरूर खरीदे। और साथ के साथ दिवाली के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय तूने टोटके किए जाते हैं। कुछों को लाभ मिल जाता है, कुछों को लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय आप करते होंगे, लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए वनस्पति शास्त्र से जुड़ी हुई है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको चार ऐसे वृक्षों के बारे में बताने वाले हैं जिनको आपको धनतेरस या दिवाली के दिन छूकर जरूर आ जाना है और उपायों को भी जरूर करें। किस प्रकार करने हैं, आइए जान लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम जो इसमें वृक्ष आता है वो वृक्ष है बरगद का वृक्ष। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप धनतेरस दिवाली के दिन बरगद के वृक्ष से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा, क्योंकि आपको बता दें, धनतेरस दिवाली के दिन बरगद का जो वृक्ष होता है वो जागृत अवस्था में होता है। इस दिन इस वृक्ष से जुड़े बहुत से उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक उपाय यह है कि आप क्या करें, आप उपाय को धनतेरस या दिवाली किसी भी दिन कर सकते हैं, दोनों दिन भी कर सकते हैं, किसी भी एक दिन भी कर सकते हैं। क्या करें दोस्तों, उपायों को करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद आप एक पीला कपड़ा लें, पीले कपड़े में आप एक रुपये का सिक्का रखें, दो लौंग रखें और एक चुटकी हल्दी आपको रख लेनी है इस पीले कपड़े में। इसके बाद आप कपड़ा इतना बड़ा ले कि आप सात गांठ इसमें मार दे। पीले कपड़े के अंदर आपको एक रुपये का सिक्का रखना है, दो लौंग रखनी है, चुटकी भर हल्दी रखनी है, साठ गांठ इसमें लग जाएंगे। इतना बड़ा पीला कपड़ा लेना है आपको। इसके बाद आपको इसे बरगद के वृक्ष के पास ले जाना है और बरगद के वृक्ष के पास ले जाने के बाद बरगद के पास इसको अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर लें और बंद मुट्ठी को स्पर्श करा लें। बरगद के वृक्ष पर पेड़ पर आपको उसे स्पर्श करने के बाद अपनी मनोकामना मांगनी है, जो भी आपकी मनोकामना, जिस प्रकार के कष्ट संकट जो भी है, मतलब उनसे छुटकारा मिले। और मांगते हुए इस पर आपको इसी पे रखना और एक मंत्र का जाप करना है, मतलब वृक्ष को स्पष्ट करते हुए आपको जो अपने मुट्ठी में ये बंद कर रखा है, हाथ में जिस प्रकार कपड़ा, तो आपको मंत्र का जाप करना है, धनाय नमो नमः। मंत्र है धनाय नमो नमः। दोस्तों, इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद ध्यान रहे, जब मंत्र का जाप करें उस समय आपका जो आपकी मुट्ठी में ही पीला कपड़ा है वो स्पर्श रहना चाहिए। आपका मुट्ठी और वह कपड़ा दोनों पेड़ से स्पर्श रहना चाहिए। पेड़ से उसी समय आपको इस मंत्र का जाप करना है, 21 बार मनोकामनाएं मांगनी है। जिस भी प्रकार की जो मनोकामना मांगे
तो तत्काल ही मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी और फिर बाद में आप इस पीले कपड़े को जिसमें एक रुपए का सिक्का दो लोग चुटकी भर हल्दी है इसको आपको बरगद के वृक्ष के नीचे ही गाड़ देना है। घर लौट आए दोस्तों, तमाम प्रकार के जीवन से समस्या खत्म हो जाएंगी, अपार धन संपत्ति की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों इसमें जो अगला वृक्ष आता है वे वृक्ष आता है, वह वृक्ष है शमी का वृक्ष। दोस्तों आपको बता दें शमी के वृक्ष से जुड़ा ये बहुत ही अच्छे उपाय, ध्यान से सुनना किस प्रकार आपको क्या करना है। धनतेरस है दीवानी, किसी भी दिन कर लें, इसको किस प्रकार करें। उपाय करने से पहले स्नान आदि से निर्वस्त्र हो जाए, आप ध्यान रखें। ये तो उपाय को नए, आपको संध्या समय के समय करना, मतलब संध्या काल के समय उपाय, आपको शाम के समय करें क्या करें। आप सर्वप्रथम तो आप हाथ जोड़कर शमी के वृक्ष से प्रार्थना करें, हम जिस उपाय के लिए आए हैं। जिस प्रार्थना सुनकर आ रहा हूँ कामना करते हुए, आ रहा हूँ 11 पत्ते आप शमी के तोड़ लें, शमी के 11 पत्ते तोड़ लें और शमी की लकड़ी से, शमी की ही लकड़ी से इस प्रकार उसे लकड़ी को आप तोड़ लें। लकड़ी इस प्रकार लें कि उन पत्तों पर, प्रत्येक पत्तों पर चंदन से ओम श्री नमः लिख दें। आप शमी जो है उस लकड़ी की सहायता से 11 पत्तों पर आपको ओम श्री नमः लिखना है। और अब इन 11 पत्तों को प्रत्येक 11 पत्तों पर ओम श्री नमः लिखने के बाद 11 कौड़ियों के साथ आपको यह लाल कपड़े में बांधकर शमी की वृक्ष के नीचे ही आपको गाड़ देनी है। और फिर गाड़ने के बाद, मतलब पहले गाड़ डे, फिर गाड़ने के बाद आपको 7 बार परिक्रमा करनी है। मन में प्रार्थना करते रहे, जो भी आपकी कामना लेकर आए हैं वो कामना पूर्ण हो। आपकी प्रार्थना करने के बाद आप जो भी मनोकामना मांगे, प्रत्येक मनोकामना के लिए आप हाथ स्पर्श शमी के वृक्ष पर हाथ रखकर स्पर्श कराकर आप अपनी कामना मांगे, जो भी मनोकामना पूर्ण करवानी है, जो जिस भी आप मनोकामना के लिए उपाय करने के लिए इस वृक्ष के पास है वह आप, मतलब कि अपनी मनोकामना मांगे। दोस्तों तत्काल आपको आपकी मनोकामना पूर्ण होती दिखाई देगी। धन से संबंधित कोई परेशानी उससे भी आपको जल्द से जल्द छुटकारा मिल जाएगा, जरूर करें, विशेष लाभ होगा। दोस्तों इसमें जो अगला वृक्ष आता है वह वृक्ष है बेलपत्र का वृक्ष। दोस्तों आपको बता दें कि धनतेरस दिवाली के समय बेलपत्र का जो वृक्ष होता है बहुत ही जागृत अवस्था में होता है। इस समय जो भी इस वृक्ष से जुड़े पत्र के वृक्ष जुड़े उपाय किए जाते हैं तत्काल ही प्रभाव देते हैं, मतलब कि मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जिस भी मनोकामना के लिए आप, मतलब बेलपत्र के वृक्ष जुड़े उपाय करते हैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बता देते हैं। उपाय किस प्रकार है, आपको क्या करना है। धनतेरस दिवाली के दिन किसी भी एक दिन कर ले, दोनों दिन कर ली, विशेष लाभ होगा। किसी भी एक दिन के लिए समय के अनुसार जैसा आपको सूटेबल हो, सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि ये उपाय आपको सूर्य उदय के समय करना है, आपको सुबह के समय उपाय करना है, किसी भी दिन करें, सुबह के समय करें। क्या करना है, आपको एक घी का दीपक ले जाना है। घर से ही आप एक घी का दीपक तैयार करके ले जाइए। घी का दीपक आटे का बना हुआ चौमुखी दीपक होना चाहिए, बाती कलावे की लगी हो। आप बेलपत्र वृक्ष के पास चले जाइए और सर्वप्रथम बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करें और प्रार्थना की नहीं, जिस मनोकामना के लिए उस मनोकामना को हमारी पूर्ण हो, इस प्रकार मन में भाव श्रद्धा रखते हुए आप क्या करें, बेलपत्र के 3 पत्ते तोड़ लें जो एक साथ लगे हुए हैं, एक साथ अलग अलग ना हो, एक साथ जुड़े हों। 3 बेलपत्र तोड़ लें और उन बेलपत्रों के ऊपर आपको, बेलपत्रों के ऊपर आपको लिखना है ओम श्री नमः, चंदन से लिखना है ओम श्री नमः लिख दें। आप लिखे किससे, बेलपत्र की लकड़ी की सहायता से आपको लिखना, चंदन से ओम श्री नमः आप लिख दें। इन पेठ 3 बेलपत्र जो एक साथ जुड़े ओम प्रत्येक पत्ते पर लिखना है, एक पत्ते पर लिखना ये ओम, दूसरे पत्ते पर लिखना है श्री, तीसरे पे लिखना है नमः, मतलब तीनों पत्तों पर इस प्रकार लिख दें और फिर आप इस पते को इस प्रकार रख दें कि ओम श्री नमः ऊपर की तरफ हो और इसके ऊपर आपको चौमुखी दीपक रख कर जला देना है। फिर आप 7 बार परिक्रमा करें, मन ही मन मनोकामना मांगी, जो भी जिस प्रकार की मनोकामना है मांगे और फिर अंत में इस वृक्ष को छूते हुए बोले कि हमें जो भी मनोकामना मांगी हमारी मनोकामना पूर्ण हो। मन में भाव रखते हुए घर लौटे, किसी को ना बताए। इस उपाय के बारे में दोस्तों
जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इस उपाय का प्रभाव मिलेगा देखने को जल्द से जल्द। मनोकामना पूर्ण या महसूस करेंगे कि इस उपाय से आपको लाभ हो रहा है, लाभ हुआ है आपको। इस उपाय से तत्काल प्रभाव देने वाला उपाय है, जरूर करें। धनतेरस या दिवाली के दिन विशेष लाभ होगा। अगला उपाय है नियम के वृक्ष से जुड़ा हुआ। क्या करना है आपको, यह उपाय करना है सूर्योदय के समय ही। क्या करें, 21 कमल गट्टे के बीज लेने हैं और इन 21 कमल गट्टों के बीज के ऊपर आपको प्रत्येक बीज पर हल्दी से टीका लगा देना, हल्दी से टिक कर दें। और 21 लौंग लेनी है आपको, 21 लौंग, 21 कमल गट्टे के बीज और 21 लौंगों को आप एक पीले कपड़े में बांधकर हाथ में इसको पकड़ लें। हाथ में पकड़ने के बाद, मतलब दोनों हाथों में पकड़ लें, पकड़ने के बाद नीम के वृक्ष की आपको परिक्रमा करनी है, 11 बार परिक्रमा करनी है। 11 बार परिक्रमा करने बाद मनोकामना मांगनी है, जिस प्रकार की मनोकामना हो आप वृक्ष के पास परिक्रमा कर लें। इसके बाद आप दोनों हाथों में आपने पकड़ा हुआ होगा और इस अवस्था में हो कि हाथ जोड़ते हुए, मतलब आपको इस प्रकार पोजीशन लेने की, मतलब कि आपके हाथ में वे बीज 21 लौंग कपड़े में बंधी हुई है वो इस प्रकार आ जाएगी, हाथ जोड़ते हुए आकृति में जाए। तो इस प्रकार आप अपने दोनों हाथों को करते हुए, दोनों हाथों को छुआ नहीं, वृक्ष पर नीम के वृक्ष को एक साथ छुआ कर अपना माथा भी आपको लगा लेना है हाथ के ऊपर, मतलब आपका एक भाग दो वृक्ष पर हो, वृक्ष मतलब वृक्ष से जुड़ा हुआ हो और आपका माथा आपकी हाथ से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार स्पर्श भी हो जाएगा और आपका माथा आपके हाथ से भी लग जाएगा। फिर आप अपनी कामना, मतलब प्रार्थना करेगी, जो हमने मनोकामना मांगी है हमारी हो, सिद्ध हो, जो कार्य नहीं बनने देते हुए हमारे कार्य पूर्ण, हमारे जो भी मनोकामना आपने मांगी है वे मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी। किसी भी प्रकार की मनोकामना दोस्तों, घर पुनः लौट के आए उसको कुछ ना बताइए। जो भी ये उपाय हमने बताए इनके बारे में किसी से ना करें, गुप्त ही रखें। उपायों को जल्द से जल्द लाभ मिलेगा, आपको बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता लक्ष्मी। हमें उम्मीद है वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख देना।